नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी प्यार इस पर। मैं इस वक्त जालना में हूँ और गणेश मल जी मारे साथ गौशाला में हूँ और मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ उसके बारे में। आपका नाम? गणेश दादा। आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? लास्ट 3 ईयर से। बहुत साल से। आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का? एक्सपीरियंस अभी गौशाला के प्रति जैसा यूपी के जो मिनिस्टर है उनकी वजह से गौ सेवा का कल्चर काफी बढ़ चुका है और हर किसी को ऐसा लगता है कि अपन गाय पालना, गाय से जो अपने अपना कृषि प्रधान जो देश और गाय के काफी सारे फायदे तो ये कल्चर अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद जो दुग्ध क्रांति हुई है तो उसमें जो HF कल्चर था वो कम हो रहा है और अभी देसी गायों का चलन ज्यादा है। अभी विदेशी गाय से नुकसान है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर विदेशी गाय का मीन्स HF का अगर दूध पीते तो उससे शुगर वगैरह काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं और देसी गाय का अगर दूध पीते हो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आप भले 50-60 ईयर के क्यों ना हो पीते हो तो आपको कभी इंजेक्शन या सलाइन लगाने का जरूरत नहीं। अच्छा, तो देसी गाय का दूध पीने से कुछ इंजेक्शन वगैरह जरूरत कोई बीमारी आप ये नहीं लगता है, आता नहीं है। अभी कितने गाय है इस गौशाला? अभी आपके पास गौशाला में 1084 काउंट है पूरे, तो कुल मिला के 1084 जी। तो ये विदेशी गाय है? हाँ, ये विदेशी। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? विदेशी के बारे में बोलना चाहे तो ये अभी अपन कम ही कर रहे हैं, ये सिर्फ एक शो पीस के लिए रखा है, बाकी ये शो के लिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई यूज नहीं। कुछ कितना दूध देवे गाय? 1084 में ओनली 60 काउंट दूध है, तो फिर अभी आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है या नहीं? नहीं यहाँ ये तो माहौल बिल्कुल ये अच्छा ही है हमारे लिए। आपको पसंद आया? जी जी बिल्कुल पसंद आया। तो आप कितने दिन तक ऐसे चलाए, हमें पूरी जिंदगी यहाँ पे निकाले? हमारा थर्ड जनरेशन वर्क कर रहा है, इसके पहले नानी जी थे, अभी मम्मी जी और मेरा थर्ड थे, जैसा यही जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे कुल मिला के कितने स्टाफ है? यहाँ टोटल 20 लेडीज है और 15 जेंट्स, टोटल 35 का स्टाफ है। तो 1000 के ऊपर गाय है, तो कैसे मेंटेन करते हो ये? हर किसी को हर हर पर्सन हर कपल में 60 काउस का डिपार्टमेंट दिया हुआ है और उसमें 60 गायों का पूरा देखभाल करना, चारा, फिर कोई अगर चारा ना खाए तो उनको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना कि ये चारा क्यों नहीं खाए, पूरी बारीक बारीक तो एक सेक्शन में 60 गाय होती है। 60 गाय नहीं, मेल अलग रहता है, फीमेल अलग, फीमेल अलग रहता है और बछड़े अलग रहते, बछड़े अलग। तो बछड़े जो जब आप छोड़ते हो बछड़े को एक साथ सारे बछड़े को छोड़ते हो या थोड़ा थोड़ा? नहीं नहीं, एक ही साथ पूरे छोड़ते हैं और अपना हर कोई बछड़ा अपने अपने मॉम के बरोबर, वो दोनों का कोऑर्डिनेट होके बरोबर अपने पास आता है, बराबर होने का मिलान होता है, अपना अपना बच्चा पास में। कितनी देर बाहर रखते हो और कितनी देर अंदर रखते हो? गाय और बछड़ा अलग 10 घंटे रखते हैं, उतने टाइम में उनका दूध भी बन जाता है और बच्चे का जैसा फिर 11वें घंटे को जैसा बच्चा आके दूध पी सकता है। तो बच्चा 10 घंटे के लिए अलग अलग रखते हैं, बाकी टाइम साथ में, बाकी टाइम साथ में रहते। तो सवेरे और शाम को आप लोग छोड़ते हो गायों को? हाँ। तो इस गाय को छोड़ते हो या नहीं? नहीं, ये अगर इसको छोड़ते तो ये फाइटिंग करेगा, ये डेंजर है। तो विदेशी गाय देशी गाय से फाइट करेगा? हाँ, पर विदेशी ये जैसा देसी में जो स्टेमिना है वैसा इसमें नहीं है, ये देसी बैल से हार जाएगा। तो ये कमजोर है? ये कमजोर है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।